हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी डेली क्लास रहती है शाम 7 बजे, जिसमें हम केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस करते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर मार दीजिएगा क्लास का, ताकि सभी फ्रेंड्स जुड़ जाए। अभी हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस। चलिए वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, आपके सामने है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अमोनिया, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की होती है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इथिलीन अणु की आकृति होती है, इथिलीन अणु की आकृति होती है, ऑप्शन है एक रेखीय, चतुष्फलकीय, समतल त्रिकोणीय, अष्टफलकीय, बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? इथिलीन अणु की आकृति होती है। सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समतल त्रिकोणीय, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है मीथेन अणु की आकृति होती है, मीथेन अणु की आकृति होती है, द्विसंयोजक बंद, एकल सहसंयोजक, त्रिसंयोजक बंद, इनमें से कोई नहीं। तीन नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एकल सहसंयोजक, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना, मीथेन अणु की आकृति होती है तो एकल सहसंयोजक होती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंध की आकृति होगी, जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंध की आकृति होगी, आयनिक, सहसंयोजक, ध्रुवण, ध्रुवीय सहसंयोजक। चार नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अध्रुवीय सहसंयोजक, यानी डी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण अंतरण के लिए, इलेक्ट्रॉनों के आंशिक अंतरण के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनों के अंश भंजन के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? फाइव नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों के अंश भंजन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है
निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन। छह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा मीथेन, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सात नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत संयोजक बंध बनता है, विद्युत संयोजक बंध बनता है धन विशिष्ट आयनों के बीच, ऋण विशिष्ट आयनों के बीच, विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा सात नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। सात नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा विपरीत अविष्ट आयनों के बीच, सी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आठ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है एक आयनिक बंध बनता है जब संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का प्राप्त होते हैं, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, एक धातु तत्वों का संयोग अधातु तत्वों से होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। आठ नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा एक धातु तत्वों का संयोग अधातु तत्वों से होता है तब जाके आयनिक बंध बनता है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नौ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है विद्युत संयोजक, सह संयोजक, उप सह संयोजक, इनमें से कोई नहीं। नौ नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा विद्युत संयोजक, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ऋणायन जब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दस नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन है धनायन तत्व बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु पर बाहर के धनावेश आता है, परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है।
11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा परमाणु इलेक्ट्रॉनिक होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है, ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन। बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। बारह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होता है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होता है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। तेरह नंबर क्वेश्चन से मैं आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बीटा किरण, यानी बी ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है ना, बीटा किरण। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कहलाते हैं, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। सभी का आंसर आना चाहिए, भी जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं ना, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी फ्रेंड्स को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है आइसोटोन होते हैं, समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूक्लियॉन। बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समान संख्या में न्यूट्रॉन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं, वे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं, ऑप्शन है सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक। बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। सभी का आंसर आना चाहिए, भी जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा सम न्यूट्रॉनिक, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, ऑल ऑफ दीज। बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन से मैं आपका राइट आंसर क्या रहेगा भाई।
17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा कोबाल्ट 60, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा जैसे कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। बीटा किरणें, गामा किरणें, अल्फा किरणें, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। अठारह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा गामा किरणें, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की कंडीशन का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है NA24, CO60, AS74 और I131, आयोडीन 131, बताइएगा भाई। 19 नंबर क्वेश्चन से में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की कंडीशन का पता लगाने के लिए किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। सभी का आंसर आना चाहिए भी, जितने फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। उन्नीस नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अन्य, यानी सोडियम 24, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, कार्बन, बताइए अभी। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है। सभी का आंसर आना चाहिए भी, बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। बीस नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा यूरेनियम, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं, तो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ताकि सभी फ्रेंड्स को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास लगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।